इस वक्त बड़ी खबर इसराइल को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि वो मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह पीड़ितों के साथ उनकी संवेदना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसराइल पर हुए आतंकी हमले से वो स्तब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है अब थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपको पता है किस तरह आज सुबह से ही हमास के आतंकियों ने इसराइल के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमला किया है। रॉकेट से हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है, कई जगह बंधक बनाए जाने की भी खबरें आ रही हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आया है ट्वीट के माध्यम से। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल में आतंकी हमला हुआ है, अब तक 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसराइल की सेना लगातार जवाबी कार्रवाई भी कर रही है, हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला भी जारी है। और तो देखिए अब तक का अपडेट क्या है वो आपको इस वक्त हम दिखा देते हैं। इसराइल की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, ये 5 बड़े अपडेट इसराइल पर। हमास ने बहुत बड़ी गलती की है, इसराइल का ये बयान आया है। इसराइल के प्रधानमंत्री खुद सामने आए, उन्होंने बयान दिया। हमास ने कहा अब बहुत हो चुका, क्योंकि हमास ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। कई वीडियो हमास की तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि इसराइल को आत्मरक्षा का हक है, अमेरिका का यह बयान आया है। और साथ ही यूरोपीय कमीशन की जो चेयरमैन है उनकी तरफ से भी कहा गया हमास का घिनौना काम है, उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है इस वक्त इसराइल में, इसराइल की सरकार ने आपात बैठक बुलाई, उसके बाद इसराइल की सड़कों पर आप देख सकते हैं कैसे हालात इस समय बने हुए हैं। हमास के आतंकी सड़कों पर पहुंच गए थे अलग अलग माध्यम से, ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसराइल पर रॉकेट से हमला हुआ, हमास ने लगभग 5,000 रॉकेट दागे। दूसरी तस्वीर, इजरायली टैंकों में आग लगाई गई जो कि बॉर्डर के नजदीक थे। Z News.